did he do that? Unbelievable! Yasir Shah wins the match. क्या खूब जंग लड़ी, क्या खूब फतह पाई, तारीख बदली, तारीख लिखी, तारीख बनाई। वेस्ट इंडीज को 65 साल बाद उसी की सरजमीन पर शिकस्त। कैरिबियंस ने 304 रन के हदफ के ताकुब में 202 रन बनाए। यासिर शाह की सीरीज में 25 शिकार, मैन ऑफ द सीरीज करार। मिस बॉल हक कहते हैं, शानदार फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, करियर का इससे बेहतर इख्तिताम नहीं हो सकता। बेनजीर करियर, बेनजीर अलविदा। टेस्ट क्रिकेट के दो रोशन सितारों की आखिरी इनिंग्स का फातिहाना इख्तिताम। मिस बॉल हक और यूनुस खान की आखिरी टेस्ट सीरीज कई हवालों से यादगार। आखिरी इनिंग्स के बाद खिलाड़ियों ने दोनों को सर आंखों पर बिठा लिया। मेजबान खिलाड़ियों का भी लेजेंड्स को खराज तहसीन। Outside edge, there's a guard's gone for four. He's equaled the record with Sir Vivian Richards. कारनामे ऐसे कि हर कोई अश्श कर उठे। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, मिसबाउल हक और यूनुस खान के कई एहसास। मुल्की और गैर मुल्की रिकॉर्ड बुक्स के कई सफात पर नाम लिखवाए। 42 साल मिसबा और 39 साल यूनुस ने 66 टेस्ट मैचेस की 52 इनिंग्स एक साथ खेली। रफाकत ने 3205 रन बनाए। 15 इनिंग्स में सेंचुरी की शराकत भी कायम की। 92 न्यूज सोशल मीडिया पर छा गया। मिस यू हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। शायकीन अपने अपने अंदाज में अजीम खिलाड़ियों को खराज तहसीन पेश करते रहे। खानीवाल खिला के जहानिया में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास इदारों की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक, 4 फरार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की तो 3 दहशतगर्दों ने खुद को उड़ा लिया। 1 दहशतगर्द फायरिंग में मारा गया। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। पैनामा केस जीआईटी का इजलास, दूसरे हफ्ते बाद तहकीकात जारी। कतरी खत की कानूनी हैसियत, मुश्तरका तहकीकाती टीम की तवज्जो का मरकज। कतरी खत की कानूनी हैसियत जानने के लिए आज जीआईटी कानूनी माहरीन की खिदमत हासिल करेगी। हुदैबिया पेपर मिल स्कैंडल में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के बयान की तस्दीक के लिए तलबी के समन जारी करने का फैसला। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 7वें रोज भी हड़ताल। बंदरगाहों पर माल की तरसील का काम मुकम्मल तौर पर ठप। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात के हल तक गाड़ियों को सड़कों पर लाना मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के पेश नजर आज से मिले बंद करने का ऐलान कर दिया। कुलभूषण केस आलमी अदालत में सवाद आज हो रही है। अदालत में पाकिस्तानी वकला की 5 रुकनी टीम दलाल देगी। पाकिस्तान की जानिब से पटिशन के नाकाबले सवाद होने का नुक्ता उठाया जाएगा। पाकिस्तान इस मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दायरे इख्तियार को चैलेंज करेगा। भारत ने कुलभूषण की रिहाई के लिए आलमी अदालत में मुकदमा दायर किया है। सवाद हॉलैंड के शहर हेग में हो रही है। भारतीय शहरी उज़्मा से ताहिर अली की शादी का मामला। उज़्मा और ताहिर की दरख्वास्तों को यकजा करने की समाअत का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ताहिर अली की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 22 मई तक समाअत मुलतवी कर दी। मुस्तफा कमाल समेत पीएसपी के तमाम गिरफ्तार रहनुमा रिहा। मुस्तफा कमाल कहते हैं 48 घंटों में अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कराची के लोगों ने हुक्मरानों को डरा दिया, 16 निकात से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आला हाउस जाने से रोकने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, अंधाधुंध शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। भगदड़ से मुतादद अफराद जख्मी। बेल्ट एंड रोड फोरम पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ यांकी लेक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ कॉन्फ्रेंस के दोनों इजलासों से खिताब करेंगे। जुड़वा शहरों में था जिसका इंतजार, आ गया वो शाहकार। सब छप गया, सब पढ़ेंगे 92 न्यूज का अखबार।
लाहौर और कराची में जबरदस्त पजीराई के बाद रोजनामा 92 की शहर इक्तदार से भी अशात। रोजनामा 92 न्यूज लेने के लिए अखबार फरोशों की लाइनें। इस्लामाबाद में रोजनामा 92 की अशात की खुशी में अखबार फरोशों ने केक काटा। अखबार फरोश यूनियन के अहदेदारों, ग्रुप एडिटर इरशाद आरिफ, एडिटर फोरम राना अजीम समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। कामयाबी के लिए दुआ कराई गई। रोजनामा 92 न्यूज तमाम तबकों की आवाज बनेगा और मसाइल को उजागर करने में किरदार अदा करेगा। सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 765वां उर्स मुबारक शुरू हो गया। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने मजार पर चादर चढ़ाकर तकरीबात का आगाज किया। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद सहवन शरीफ दरगाह पर मौजूद। जायरीन का ढोल की थाप पर रक्स, हर तरफ झूले लाल के नारे। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। District of Columbia! और मिस अमरीका का ताज मिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया खारा में खौलाफ के सर सच गया। 25 साल खारा केमिस्ट और अमरीकी इदारे न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन में मुलाजिम है। मिस न्यूजर्सी चाविबर्ग मुकाबला हुस्न में रनर अप रही।